कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज का जो वीडियो, ये वीडियो गुस्से का वीडियो है। गुस्से का क्यों? क्योंकि अपने डोमेन को इतना सब लोग नीचे दिखाने में लग गए हैं। मींस हमारा सिविल इंजीनियरिंग इतना नीचे दिखाने लग रहे हैं कि लोग डेली कंपेयर कर रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप पर मैं रिप्लाई देते थे, थक जाता हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन, सर आईटी में शिफ्ट हो जाऊँ क्या? सर मेरे दोस्त आईटी में है, वो इतना पैकेज पा रहा है। सर मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना पैकेज पा रहा है। सर मैं भी वो कॉल सेंटर वाली जॉब पकड़ लूँ क्या? सर मैं भी रिप्लाई देने वाला जॉब पकड़ लूँ क्या? ये इतने अच्छे डोमेन में आप हो, उसके बाद आप बोलते हो कि इस डोमेन में चला जाऊं क्या, इस डोमेन में चला जाऊं क्या। कोविड के टाइम से कुछ ज्यादा ही ये फैल गया है, तो मैंने सोचा आज मैं सेपरेट वीडियो ही बना देता हूं कि कंपेयर मत करो यार। अपना डोमेन किंग डोमेन है भाई, किंग डोमेन है। ठीक है, आपको पता है दुनिया की जो ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग्स है, मिलिट्री इंजीनियरिंग के बाद कोई इंजीनियरिंग सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग है तो वो सिविल इंजीनियरिंग है। और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता क्या है? ठीक है, आपने बस इतना जाना है कि साइट इंजीनियर एक लड़का है, उसको 12,000 की सैलरी मिलती है, हायर है, इससे बेकार है, इससे अच्छा तो घर पे बैठ के या फिर ईयरफोन लगा के कॉल सेंटर का भी काम करते हैं आईटी में, या फिर रिप्लाई देने का भी काम करते हैं, तो 3.6 का पैकेज मिल जाता है। अरे सुनो, जो साइट इंजीनियरिंग का जॉब है, जो आज के टाइम मार्केट में हो चुका है, वो एक्चुअली में 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। हमें पता ही नहीं कि हमारे डोमेन में क्या क्या है। ठीक है, और हमारे जैसे लोग अगर हेल्प भी करते हैं तो बहुत से कम लोग उसको ध्यान से सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर में किसी का बढ़िया डांस वाला वीडियो आ रहा होगा तो पहले उसको जाके क्लिक करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में कभी नहीं बोलता, इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, आपको अपने डोमेन में रिस्पेक्ट समझ में आएगी कि किस डोमेन में आप हो। एक चीज क्या देखना, रियल इस्टेट, सिविल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा डोमेन रियल इस्टेट। आपको पता है इंडिया के जीडीपी में 10% अकेले रियल इस्टेट बैठता है। सोचिए, एक डोमेन है अभी। ठीक है, अभी इंफ्रा में अगर चला जाऊंगा तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। इतना बड़ा डोमेन है आपका, और आप बोलते हो कि सर इसमें चला जाऊं क्या, इसमें ग्रोथ है, इसमें चला जाऊं क्या। बात यह है कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें हमारे डोमेन का नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं कि मार्केट में अपने नाम को कैसे बढ़ाना चाहिए। सुनो, पैकेज की बात करते हो ना, कि क्या बोलते हैं, इसमें 15 लाख का पैकेज है, इसमें 8 लाख का पैकेज है, इसमें 7 लाख का पैकेज है। सुनो, ठीक है, हमारा अगर एक अपार्टमेंट बनता है, ठीक है, एक अपार्टमेंट बनता है और बनाने में अगर हम 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, कितना? 1 करोड़। छोटा सा अपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 10 1 BHK 2 BHK निकाल दो। ठीक है, 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ के बीच में आराम से बन जाएगा। आपको पता है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? ठीक है, सेलिंग प्राइस मिनिमम मिनिमम 5 to 6 करोड़ रुपए होगा। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप 5 करोड़ में सेल करते हो, कौन से पैकेज में लेके आओगे आप? ठीक है, नॉर्मल अगर सिर्फ समझो कि सिविल इंजीनियरिंग को समझने की जरूरत है कि इसमें पैसे अर्न कैसे करते हैं भाई। ठीक है, एक नॉर्मल सा बंदा है, ठीक है, आपने क्या किया, एक ऊंठा जमीन लिया, मतलब एक बिस्वा जमीन लिया कहीं पे भी, और उसमें एक अच्छा सा 2 BHK सेट कर दिया, और ग्राउंड में और फर्स्ट फ्लोर में। आपको पता है उसको कितने में आप सेल कर सकते हो? मिनिमम आप उसको 70 से 80 लाख रुपए में सेल कर सकते हो। घर एक सपना होता है, सपना को कंप्लीट करने वाली जॉब आपके पास है, डोमेन आपके पास है, और आप बोलते हो कि सर इसमें चला जाऊं कैसे? क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो यार? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता नहीं कि इसमें बिजनेस कैसे करते हैं, इसमें पैसे कैसे कमाते हैं। आपको पता है हमारा एक डिजाइनिंग का जो प्रोजेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट देना पड़ता है कि कॉलम यहां यहां लगा दो, 20 से 25 हज़ार रुपए का प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, महीने में अगर आप 5 प्रोजेक्ट कर देते हो, 1 लाख रुपए आप अपने जेब में रखते हो अकेले, किस किस डोमेन में मिलेगा आपको? सोच के देख लो। ठीक है, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डोमेन, दिस डोमेन इज इंजीनियरिंग, फादर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये दुनिया की इतनी ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग है, आपको पता है ना, मिलिट्री इंजीनियरिंग के बाद अगर कोई ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग है दोस्त। ठीक है, इसका लोग बोलते हैं इसका डिमांड नहीं है। हाय यार, कैसी बात करते हो, किसकी डिमांड है? आईटी की। आईटी वाले बैठेंगे कहाँ पे? ठीक है, जहाँ हम प्लेस बनाएंगे वहां पे। ठीक है, फिर आप बोलते हो सर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड है, इसका डिमांड है, भाई वो जहां बैठेंगे जो करेंगे उसमें बिना हमारे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप यहां से जाओगे ना, अगर आप पुणे से मुंबई जा रहे हो तो किससे जाओगे? अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो कौन बनाया? हमने बनाया। ट्रेन से जा रहे हो, कौन बनाया? हमने बनाया। बस से जा रहे हो, रोड किसने बनाया? हमने बनाया। ऐसे डोमेन में होने के बाद भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग। समझने की जरूरत है कि इसमें पैसे बनाते कैसे हैं। थोड़ा ये अलग टाइप का है, ऐसा नहीं है कि बस 9 to 6 करोगे और हो गया, मतलब वो होता रहेगा। ठीक है, उसका एक लिमिटेड ग्रोथ है दोस्त। ठीक है, कंपेयर कर लो, मैं अभी लोग बोलोगे ईगो की बात कर रहे हो सर। ठीक है, किसी भी आईटी वाला जो पैकेज होगा उससे कंपेयर कर लेना, मेरा पैकेज ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको बता रहा हूं कि मेरा पैकेज ज्यादा, बट मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से यहां पर पैसे आते और किस तरह से काम करते हैं। आप स्ट्रक्चर की जॉब करो ना,
दो साल तीन साल जॉब करो, आपके पास ये टैलेंट आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ, मेरे गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि इतना गंदा लोगों ने सोच रखा है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो एक आप 2 से 3 साल जॉब तो करो, अच्छे से नॉलेज तो लो, उसके बाद पता है आपको एक प्रोजेक्ट भी अगर एक अपार्टमेंट भी बड़ा सा अगर आप डिजाइन कर देते हो, 2 से 2.5 लाख रुपए कॉस्ट होती है। कितनी? 2 से 2.5 लाख रुपए। और आपको उसको करने में मैक्सिमम 1 हफ्ते से 10 दिन, मैक्सिमम बोल रहा हूं 1 हफ्ते से 10 दिन लगेगा आपको। ठीक है, और अगर आप थोड़े और समझदार निकले तो 4 अगर जूनियर्स हायर कर लिए तो वो काम आप 1 हफ्ते से अंदर करके दे दोगे, 5 दिन में करके दे दोगे। कर लो, कौन सा डोमेन में इतना पैसा है, बस समझने की जरूरत है कि इस डोमेन में पैसे कैसे बनाते हैं। इस डोमेन में जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है वो बनता है जब आप खुद एक स्टेबल इंसान बनते हो और आप खुद बिजनेस करने लगते हैं। हमने क्या किया, मान लो प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग करके बना के हम सेल कर रहे हैं, भर भर के पैसा है। अपार्टमेंट बना रहे, बना के सेल कर रहे, भर भर के पैसा है। दूसरे लोग अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, आप उसको टेक्निकली एक्सप्लेन करके लोगों को एक्सेल का सेल करवा रहे हो, 2% मिनिमम। आज के टाइम में एक बिल्डर के पास मिनिमम इंसेंटिव 2% का है। ठीक है, अगर आप महीने में 2 फ्लैट भी 3 फ्लैट भी सेल कर देते हो, अगर 1 करोड़ की भी सेलिंग किया तो आपका 2 लाख रुपए तो ऐसे ही महीने का हो यार। और 1 करोड़ मतलब 2 क्लाइंट, 15 दिन में 1 क्लाइंट केवल आपको सेल करवाना है अपने एक बिल्डिंग्स को। ठीक है, तो ये तो मिनिमम बता रहा हूँ। ऐसे जो बहुत अच्छे अच्छे वाले बिल्डर हैं वो 4-4, 5-5% का इंसेंटिव देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो पैसा यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनने पर है। ठीक है, दूसरा जो पैसा है वो पैसा बनता है यहाँ पर कि अगर आप जॉब में हो तो पार्ट टाइम कुछ अपना काम निकालो। ठीक है, और ऐसे जॉब को करो जिस जॉब में कुछ पार्ट टाइम कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा जॉब है, आप करो ना बीम पे जॉब करो। ठीक है, बीम पे जॉब कर रहे हो आप, प्रॉपर वहां से सीख भी रहे हो और प्लस आपका ग्रोथ तो हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ आप प्राइवेट अपना प्रोजेक्ट उठाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप बोलोगे सर लीगल नहीं है, भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, तब तो पैसा अच्छे से कमाओगे। आप ऑनलाइन अपवर्क पे fiverr.com पे अपने जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए डालो, लोगों को इंप्रेस करो, वहां से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास यूएस के या फिर कनाडा के कहीं भी फॉरेन के 2-3 क्लाइंट भी सेट हो गए ना, महीने का आपको 35 से 40 हज़ार रुपये सिर्फ 1 घंटा काम करने को मिलेगा। 1 घंटा काम करने को, कुछ नहीं ड्राफ्टिंग करना है, नॉर्मल सा पीडीएफ देंगे, स्कैन टू बीम करना रहेगा, ये सब काम करने का 35-40 हज़ार रुपये, 35-40 सैलरी ले रहा हूँ, 70-80 हज़ार रुपये सैलरी, फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस की तो छोड़ दो। तो आप समझो कि हमारे डोमेन में ग्रोथ कैसे होगा। मैं कंप्लीटली हेल्प कर रहा हूं, बार बार हेल्प कर रहा हूं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोगों को प्रूफ करना चाहता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इनकम है, बहुत ग्रोथ है और ये बेस्ट इंजीनियरिंग है। सो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कई लोग यहां पर आके नीचे लिखेंगे, अपने अच्छे अच्छे विचार लिखेंगे कि सर आपको क्या पता हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो, बट ये सच्चाई है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता तो आप बिलीव करिए कहीं ना कहीं सेट होते। और सिविल इंजीनियरिंग में फिर से बोलूंगा, दिस इज द बेस्ट इंजीनियरिंग डोमेन। ठीक है, मैं इस पर प्राउड करता हूं, मैंने सीखा हुआ। यार तुम लोग 4 लाख, मैं कल तो एक बच्चा मुझे फोन किया, वो एमटेक कर चुका है फिर वो सीएस में शिफ्ट हो रहा है। दोस्त तुमने बीटेक किया, एमटेक किया, 6 साल तुमने सिविल इंजीनियरिंग सीखी, काम कौन सा कर रहे हो? ईमेल पे फ्लिपकार्ट वालों का मैसेज अगर आएगा तो रिप्लाई देना रहेगा। वाह, मतलब फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर बन रहे हो, तुम अमेजोन का कस्टमर केयर बन रहे हो, क्यों? दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। टेक्निकल प्लस मार्केट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डोमेन को अगर समझोगे तो ये डोमेन, फिर से बोलूंगा, सपनों का डोमेन होता है। हर कोई अपना सपना देखता है, अगर मैं ज्यादा पैसे कमा ले तो मेरा क्या ड्रीम होगा? मेरा एक अच्छा सा घर हो, उसमें एक अच्छा सा स्विमिंग पूल हो, एक अच्छा सा उसमें ग्लास हो, अच्छा सा बेडरूम है। मेरा सपना ही सिविल इंजीनियरिंग का डोमेन से मिक्स है। ठीक है, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, सिविल इंजीनियरिंग द बेस्ट इंजीनियरिंग डोमेन। सिर्फ जरूरत है सही नॉलेज की और सही जगह पहुंचने की। अब वो साइड वाला जो लड़का सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक घूम रहा है, उससे कंपेयर मत करो सिविल इंजीनियरिंग को। उस बेचारे को नहीं पता है कि एक्चुअल में सिविल इंजीनियरिंग में और क्या क्या हो सकते हैं, उसको तो बस ये पता है क्योंकि हमारे आगे से सबसे बड़ी चीज एजुकेशन सिस्टम है। थोड़ा बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं, तो एजुकेशन सिस्टम इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि वो वहीं टीचर वहीं से सेट कर देते हैं आपके दिमाग में, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है। वो बता देते हैं बस यहां से निकलना है, इसके बाद साइड पर तुमको खड़े होना है, ईंट पत्थर का तुम्हारा काम है। अरे यार तुम क्या जानते हो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में? ठीक है, तो आप ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा भी निकल सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। अपने डोमेन का रिस्पेक्ट करो, अपने डोमेन में माइंड्स क्रिएट करो, कहां कहां से इनकम हो सकती है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अच्छे तरीके से बात करना आता है,
ठीक है, मेरे जैसे कई इंजीनियर से आप कंसल्ट कर लो कि आपको हम प्रोजेक्ट देंगे, आप हमको इंसेंटिव देना, 40% इंसेंटिव देता हूं, ठीक है। अगर आपने 20,000 का प्रोजेक्ट दिया तो 8,000 रुपए सिर्फ आपके जेब में खाली है, ऐसे आराम से गया हुआ है, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ एक क्लाइंट से मीटिंग करवा दिया, और 20,000 का अगर प्रोजेक्ट है, 8,000 रुपए आपके जेब में क्या गया? आप तो केवल बात किए ना, दिमाग लगाओ कैसे हम अपने डोमेन में पैसे बना सकते हैं। और आप ऑलरेडी 8,000 तो ये कमाए ही, मेरे से 2-3 और लोगों से जोड़ रखे हो खुद को, वहां से भी कमा रहे हो, साथ ही अपना जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। कुछ ओपन करो अपने माइंड को, और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और कुछ डाउट है आपका, नीचे कमेंट करो, क्लियर करवा लो कि सर मैं ये कर रहा हूं, अब इसके बाद क्या करूं, ठीक है। हम लोग बताने के लिए तैयार है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपका दिमाग इसमें घुसा हुआ कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, उसको इतना मिल रहा है, छोड़ो ना यार दोस्त को, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे आप दोस्त से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कमाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्या करेगा वो, मैं किसी डोमेन की बुराई भी नहीं करूंगा, लेकिन ये बिलीव करो कि आप किसी और डोमेन से ज्यादा पैसा सिविल इंजीनियरिंग कमा सकते हो, अगर आपके पास ये है और राइट माइंडसेट, राइट गाइडेंस है। देने के लिए तैयार हूं, जुड़िए मेरे साथ, कुछ नहीं करना है। अगर यूनिक्स सिविल एप्लीकेशन आपके पास है तो, एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर लो, अगर है तो बहुत अच्छी बात। 9 से 9:30 डेली डाउट लेक्चर में आता हूँ, वहाँ आइए, पूछिए, इंटरेक्ट करिए, लाइव रहता हूँ, जो मन करे वो पूछिए, आपका माइंड भी क्लियर होगा, साथ ही साथ डोमेन के प्रति आपका रिस्पेक्ट होगा। जो आपको खाना देता है उस डोमेन के बारे में, उस काम के बारे में कभी गलत मत बोलना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।